काल रात्रि। हाथ दूर रख, समझाना, नहीं तो ऐसी जगह लात मारेंगे ना कि पूरी जिंदगी अपनी औरत के पास जाने से घबराएगा। कि ये बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में, क्योंकि जब अगर आपको कोई डीमोटिवेट करता है ना तो आपको डबल मोटिवेशन मिलता है, लेकिन फर्क ये पड़ता है कि आप उसको लेते कैसे हो। तो मेरी लाइफ में भी जब भी मुझे किसी ने ऐसे किया है, तो वो कहते हैं ना कि जब किसी चीज़ को बलून को ऐसे दबाओ तो जब वो छोड़ो तो एकदम बूम होता है। तो जस्ट ऐसा ही है कि जब भी किसी ने मुझे ऐसे बोला है तो मैं ऊपर ही गई हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूँ आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। और आज हम आए हैं छुटकी छुटंकी के सेट पर, और हमारे साथ बैठी भी हैं छुटकी छुटंकी यानी कि सुप्रिया। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। छुटकी छुटंकी बनके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था कि ये इनपुट इतना अच्छा, इतना बढ़िया निकलने वाला है। थोड़ी नर्वस थी आज, लेकिन सबने जो मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया उससे मेरा कॉन्फिडेंस जो था वो जो थोड़ा ऐसा लग रहा था पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये मेरे करियर के लिए एक अलग ग्राफ है। और आई थिंक मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये प्ले करने में। आज जब लॉन्च से पहले यहाँ पर प्रीव्यू चल रहा था और स्क्रीन पर देखा अपने आपको पहली एंट्री, क्या फील हुआ? मैं सच बताऊँ तो मैं स्क्रीन को नहीं देख पाई थी क्योंकि मैं थोड़ी नर्वस थी। लेकिन जब सब लोगों ने क्लैप और वो करने लगे और मेरे हम जिस रूम में बैठे थे सारे डायरेक्टर, डीओपी सर, प्रोड्यूसर, मतलब हमारे ईपी वगैरह सब बैठे हुए थे, उन लोगों ने बोला कि फार डाला, तो मुझे लगा थैंक गॉड कि सबको पसंद आ रहा है। तो ये पसंद तक पहुँचने के लिए आपने कितना सफ़र तय किया और क्या क्या सफ़र किया? सफ़र तो किया है, और सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये पता ही नहीं था कि ये ऐसा बनने वाला है, क्योंकि इतने टाइम से बस कर रहे थे, शूट कर रहे थे, कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है और कैसा दिखने वाला है। मैं हूँ रांची झारखंड से, लेकिन जब आप एक बार मेट्रो सिटी में आ जाते हैं तो आप बिल्कुल अलग हो जाते हैं। और ऑलमोस्ट मुझे 10 साल हो गए आए मुंबई और काफ़ी शोज़ किए हैं, तो अपनी जो बोली है वो बहुत चेंज हो जाती है, छूट गई थी मेरी भी, तो इसके लिए मैंने बहुत पहले दोबारा कि भाई मैं हूँ वहीं की और मैं कैसे ऐसे छोड़ सकती हूँ, तो वैसा था। और प्लस जो कैरेक्टर है वो तो माइंड ब्लोइंग है, धनंजय सिंह मासूम, गौरव सर का बहुत तहे दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने मुझ पे भरोसा किया और उनको लगा कि मैं ये कैरेक्टर प्ले कर सकती हूँ। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कर लेना अलग बात है, आपको चांस मिलना वो सबसे बड़ी बात होता है। तो जब आपने इसके लिए ऑडिशन दिया था फर्स्ट टाइम पे, तब क्या सोच के दिया था? जब कॉल आया या सिलेक्शन हुआ, इस बीच का जो टाइम था वो कैसे कटा था? आई थिंक इसका ऑडिशन नहीं दिया, डायरेक्ट लुक टेस्ट किया था मैंने, और तभी तक भी ये नहीं था कि मतलब क्या कैसे क्या मतलब होने वाला है क्या। फिर अचानक से बोला कि शूट करने वाले हैं, पहले मॉक शूट करेंगे एक दिन, देन मॉक शूट भी किया, फिर लुक वो काफ़ी चेंज किया कि इनको मतलब ऐसा मतलब अगर छुटकी छुटंकी नेम है तो ऐसे मसाला हो, थोड़ी मिर्ची हो, मतलब वैसा, तो उन्होंने लुक भी वैसा दिया है मुझे बिल्कुल भी एकदम, कहते ना लड़की अल्हड़ है, मतलब उसको लगता है कि बस मैं अगर खड़ी हो गई तो मैं खड़ी हूँ बस, और कोई नहीं मेरे आजू बाजू। इसके अलावा कौन कौन से शोज के पहले आप? मेरा करियर ही स्टार्ट हुआ अगले जन्म मुझे बिटिया की, जो स्वस्थ पिक्चर के साथ जी टीवी के लिए था। देन मैंने बालाजी के साथ बैरी पिया गया था, मेन लीड अमोली का कैरेक्टर जो काफ़ी हिट था कलर्स पे, आप लोग सबने देखा ही होगा। उसके बाद मैंने लुटेरी दुल्हन किया मेन लीड BAG के साथ, देन मैंने संस्कार किया कलर्स पे, अरुणा ईरानी वगैरह सब बड़े स्टार कास्ट है, जिसमें मैंने फर्स्ट टाइम मेन नेगेटिव कैरेक्टर किया। इतने टाइम मैं पॉजिटिव करते आ रही थी, मेन नेगेटिव किया। देन मैंने एक्चुअली वो शो बनाया था जी के लिए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो DD पे वो टेलीकास्ट हुआ अनुदामनी कर। वो बहुत कल्ट शो है, अगर कोई उठा के देख ले तो उसके एक एक एपिसोड आपको, अगर आपके मूज बम ना आ गए ना उसके सीन्स और इसमें, तो बहुत माइंड ब्लोइंग शो है वो किया। देन मैंने 2 हिंदी मूवी की है, 21 तोपों की सलामी और जिंदगी 50-50, काफ़ी एड्स फिल्म किए। देन लॉकडाउन और ये सब होने के बाद ऑलमोस्ट 3 साल का गैप के बाद मेरा, मैं बोलूँगी एक प्रॉपर कमबैक है मेरा ये। तो रांची से आप हैं? यस। तो रांची से जब चले थे मुंबई
तो यही करने आए थे या कुछ और? नहीं, मैं एक्टिंग ही करने आई थी. एक्टिंग ही करने आई थी. हाँ, मुझे, मैं स्कूल से ही मेरा था कि भाई मैं नकल करती थी अपनी टीचर, अपनी बहनों का, ये का. तो मुझे एक्टिंग ही करनी थी. ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ और सोचा और मैं कुछ और बन गई. नहीं, एक्टिंग ही करनी थी मुझे. बहुत सी गर्ल्स के कई बार कमेंट्स आते हैं, कई बार क्वेश्चन आते हैं, डाउट आते हैं सुप्रिया कि ना हमारी हाइट में ये प्रॉब्लम है, हमारी हाइट कम है, हम मेल लीड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आर्टिस्ट बन पाएंगे नहीं तो बन पाएंगे. लेकिन आपने वो कर दिखाया है कि बिल्कुल हाइट से कोई फाइट नहीं है. बिल्कुल, आप अगर राइट हैं तो राइट हैं. तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? मैं ये बोलूँगी, जब मैं भी आई थी तो मुझे भी एक दो जगह ऐसे, क्योंकि अगर देखा जाए तो मैं डस्की हूँ स्किन टोन के हिसाब से, और हाइट मुझे लगता है कि अगर ऊपर वाले ने बनाया है मुझे, कुछ सोच समझ के बनाया होगा. और हर कोई जो आया है, ऊपर वाले ने भेजा है, तो सबका आना एक मकसद है जो ऊपर वाले ने तय किया है. तो मुझे जब भी किसी ने बैड नहीं बोलूँगी, जो भी मुझे अगर बोला है कि डीमोटिवेट किया है, तो आई थिंक मुझे लगा है कि ये बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में. क्योंकि जब अगर आपको कोई डीमोटिवेट करता है ना, तो आपको डबल मोटिवेशन मिलता है. लेकिन फ़र्क ये पड़ता है कि आप उसको लेते कैसे हो. तो मेरी लाइफ में भी जब भी मुझे किसी ने ऐसे किया है, तो वो कहते हैं ना कि जब किसी चीज़ को बलून को ऐसे दबाओ तो जब वो छोड़ो तो एकदम बूम होता है. तो जस्ट ऐसा ही है कि जब भी किसी ने मुझे ऐसे बोला है तो मैं ऊपर ही गई हूँ. आप रांची से हैं? हाँ. जो करेक्टर है वो भी रांची के आसपास का ही? हाँ, ये बिहार का दिखाया है, पटना का दिखाया. घर वाले देखेंगे तो उन्होंने बीच में आपका एक अलग गेटअप सेटअप देखा है. हाँ. और अब देखेंगे उनकी बेटी दिख रही है बिल्कुल उनके ही गांव जैसे. हाँ हाँ हाँ. तो क्या इंप्रेशन रहने वाला है? आई थिंक मेरे घर वाले भी बहुत एक्साइटेड, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने बताया कि मेरा एक प्रॉपर कमबैक है. और उनको भी ये आइडिया नहीं है, क्योंकि मुझे ही आइडिया नहीं था कि ये इतना अच्छा दिखने वाला है. तो ऑफकोर्स वो बहुत खुश होंगे, मुझे लगे बहुत खुश. जो रांची या ऐसे छोटे शहरों से, अलग शहरों से, जहाँ पे मुंबई एक बहुत बड़ा वो है, हुआ है कि क्या हो जाता है वहाँ पे गर्ल्स को लेकर, तो खास तौर से पेरेंट्स डरते हैं, उन पेरेंट्स से, उन गर्ल्स से आप क्या कहना चाहोगे जो सिर्फ सपने देख रही हैं लेकिन पूरा करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही? नहीं, मैं यही बोलूँगी कि एक घर का अगर सपोर्ट होता है ना, तो आप कहीं भी अगर आपकी कोई सोच है या आपकी कोई ड्रीम है तो आप पूरा कर सकते हो. मेरा ये सपना है तो मैं यही करूँ. सपना तो ऐसे ही मैं मतलब कभी भी सोते जागते देखना चाहिए, क्योंकि सपना देखना क्या होता है, उसमें पैसे नहीं लगते, कोई हमको रोक टोक नहीं होता है. तो देख लेना चाहिए दिल की खुशी के लिए. बाकी अगर ऊपर वाला कोई वे दिखा रहा है तो उस वे में जाना चाहिए. तो अभी तो आप छुटकी छुटकी हैं. हाँ, लेकिन आगे के आपके सपने क्या हैं? आगे के सपने ये हैं कि मतलब जो भी ये जो मैं छुटकी छुटंकी कर रही हूँ, फर्स्ट एपिसोड तो मतलब बॉम्ब था. और मैं अपने सारे ऑडियंस से ये बोलना चाहिए, ये तो अभी शुरुआत है. ऐसे ऐसे कलर आपको देखने को मिलेंगे ना छुटकी के, कि सबकी बैंड बजा के रखा है उसने. तो मैं चाहूँगी कि ये शो एक उस लेवल तक जाए, क्योंकि ये अभी जितने शोज़ बन रहे हैं ना उससे बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग फ्लेवर है. तो ये जो फ्लेवर है ना, आई थिंक अभी के माहौल में जो कोविड चला है, ये सबके माहौल में ना जो ये फ्लेवर है ना ख़त्म हो गए है ना. तो ये एकदम चटपटा सा फ्लेवर है. तो मैं चाहूँगी कि सब लोग चखें इसको. थैंक यू सुप्रिया. थैंक यू. थैंक यू. बहुत अच्छी अच्छी बात है वीडियो से निकल कर आई. पहली बात तो ये कि आप पे लोग शक करेंगे, आप खुद पे शक मत करिए. आपका आत्मविश्वास बना रहना चाहिए. लोग आपको दबाएंगे तो आप वापस कम बैक कीजिए, बाउंस बैक कीजिए. ये आपके लिए, क्योंकि आपको अपने सपनों को पूरा करना है. हर जगह छाप छोड़ते जाएंगे तो काम मिलता ही जाएगा और काम चलता ही जाएगा. आपने इस वीडियो से क्या सीखा, क्या समझा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए. अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ. तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, चमे रहिए. हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइंट फिल्म्स मेंटर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइंट फिल्म्स ऐप.